धोनी के बल्ले से लगता छक्का है, बल्ले से इसके बच के जाओगे कहाँ ओ धोनिया। धोनी साहब की क्या बात है यार, ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस। उसके टैक्टिक्स ही नहीं समझ आते यार, कि अगर उसको भी फील्डिंग का भी पता है कि जोन से मर्जी बैट्समैन हो, फील्डिंग प्लेसमेंट क्या करवानी है, इसको आउट करवाना है। धोनी इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है कि आइंस्टाइन के आईक्यू से भी ज्यादा आईक्यू है उसका। आइंस्टाइन का आईक्यू कोई था कोई 200, धोनी का आईक्यू कोई 500 प्लस। धोनी का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, वो इस दुनिया का है ही नहीं है, वो एलियन है भाई, दूसरे ग्रह से आया। ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आईपीएल के अंदर आप लोगों ने अगर पूरे पहले नंबर पे रहना है, फाइनल तक जाना है ना, तो सीएसके के खिलाफ कोई भी मैच हो ना, भाना मार दो, मेरी नानी मर गई, मेरी दादी मर गई, मैच ना खेलने जाओ भाई, धोनी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी भूल है कि तुम गौतम गंभीर एम एस धोनी के घर जाके चेन्नई सुपर किंग को मैच हरा के अपने नाम मैच करोगे। चेन्नई सुपर किंग ने आज गौतम गंभीर की टीम जो कि अनबीटेबल जा रही थी आईपीएल के अंदर, वो हार गई है यार आज तो। ऐसा प्लेयर, हकीकत है कि धोनी जैसा प्लेयर, एक होता है प्लेयर जो कि सिर्फ स्टेडियम में प्ले कर रहा है, एक होता है जो स्टेडियम में तो खेल रहा है लेकिन उसका माइंड भी साथ साथ खेल रहा है, उसका माइंड भी चल रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका अग्रेशन, उसका एटीट्यूड, उसका सिर्फ यूँ देखना, उसका उसके बॉलर के साथ उसका जो वो लिंक्ड रहता है एनी टाइम, वो चीज कैप्टन तो गायकवाड़ है, हर बंदा धोनी कह रहा है धोनी जितवा रहा है। सर धोनी, धोनी की पॉजिटिव एनर्जीज जितवा रही हैं, धोनी का वो पॉजिटिव वे जितवा रहा है जिसमें वो खुद खेलता है और वो पूरी टीम के ऊपर उसका असर रहता है। तो मास्टरमाइंड धोनी इज अ मास्टरमाइंड प्लेयर। आप धोनी को ना देखें ना सिर्फ, आप उसके बाद रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, विराट कोहली की मिसाल ले लें, सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी की मिसाल ले लें, तो ये सारे बच्चे जो बाद में तैयार हुए धोनी साहब के हाथ से हुए। गौतम गंभीर हारा है धोनी से, क्यों हारा है वो, इसी वजह से हारा है कि धोनी से जिस बंदे ने उसको उस्ताद समझ के सीख लिया है ना, वो फिर विराट कोहली बना, वो फिर रोहित शर्मा बना। जिसने धोनी को आंख दिखाई है ना, वो गौतम गंभीर बना और आईपीएल के अंदर इस तरह मुंह तोड़ जवाब खाए उसने। सीनियर्स के साथ क्यों पंगे लेते हो, क्यों सीनियर्स के साथ उस लेवल पे आने की करते हो, जबकि पता है कि सीनियर वो सब कुछ काट के गुजर के जा चुका है, फेस करके जा चुका है जो तुम अब फेस कर रहे हो। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी सीनियर इन एनी फील्ड, सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो फिर आप शायद विराट कोहली बन जाए, फिर आप शायद रोहित शर्मा बन जाए। आईपीएल की हिस्ट्री में लिखा है कि धोनी ने गौतम गंभीर को हराना ही रहना है भाई। सीएसके और केकेआर के बीच में 30 मैच हो चुके हैं जिसमें से 19 बार भाई चेन्नई जीत चुका है, ठीक है, धोनी की टीम जीत चुकी है। गौतम गंभीर कहता था धोनी को कि भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हो, मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा, ठीक है। धोनी ने दोबारा जाहिर कर दिया कि भाई वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता यार। जहाँ सिस्टम बड़े होते हैं वहाँ थारा भाई खुद खड़े होते हैं, ठीक है, धोनी के मुकाबले में कोई भी थारा फोरा रीजन भाई, वो थारा फोरा रीजन है, नंबर 7 फोरा रीजन है यार, वो तो रोनाल्डो से भी बड़ा नंबर 7 है यार मुझे लगता है यार। ऊपर से यार जो उसके टैक्टिक्स हैं, ठीक है, हालांकि वो टीम का कैप्टन नहीं है, गायकवाड़ टीम का कैप्टन, लेकिन भाई मास्टरमाइंड वही है टीम का, टीम को चलाता है वही है, बस नाम का उन्होंने उसको कैप्टन बनाया, वो असल कैप्टन भाई थाला भाई है हमारा, ठीक है। जो उसने चपेड़ मारी ना गौतम गंभीर के मुंह पे, ठीक है, जो वो पिछले 16 साल से मारता हुआ आ रहा है, ठीक है, 2011 का वर्ल्ड कप इसने तो आया था, ठीक है, ये गौतम गंभीर को तभी से मिर्चें लगी हुई है इसको कि इसने क्रेडिट ये ले गया, क्रेडिट वो डिजर्व करता है भाई, क्योंकि कैप्टन था वो इंडिया का। कौन सी ऐसी टीम आईपीएल में नजर आती है जो सीएसके को हरा पाए भाई? अब आज के मैच के बाद तो कोई टीम ही नजर आती है, कौन सी नजर आती है आज के मैच के बाद? वाकई नहीं कोई। ऊपर से यार ये गया भी शेर के घर में शिकार करने, अब ये बताओ शेर के घर में जाके कौन शिकार करता है? धोनी के घर में जाके वो मैच जीतने गया, तो भाई तुम्हारी भूल है कि तुम गौतम गंभीर एम एस धोनी के घर जाके चेन्नई सुपर किंग को मैच हरा के अपने नाम मैच करोगे। शाहरुख खान को चाहिए कि ना अब क्या कहते गौतम गंभीर को उसकी औकात दिखाए कि भाई तू क्या है, तूने कभी कैप्टनसी के अंदर वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया? एम एस धोनी ने जिताया, बेशक आज धोनी ने आके इतना डोमिनेट नहीं किया, लेकिन भाई मुझे सबसे पसंद धोनी पता क्यों लगता है? गायकवाड़ कैप्टन है, उसने आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर देखा उसे गायकवाड़ की इंसल्ट करते हो कि इसने ये मैच, बेशक सीएसके मैच हारी भी है, मैं आपको इतना कहूंगा कोई भी टीम अगर टॉप ऑफ द टेबल रहना चाहते हैं ना पूरे आईपीएल के अंदर, सीएसके के खिलाफ ना खेलो भाई। बाकी सीएसके कलकत्ता के खिलाफ ये तो हार गई है, ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आईपीएल के अंदर आप लोगों ने अगर पूरे पहले नंबर पे रहना है, फाइनल तक जाना है ना, तो सीएसके के खिलाफ कोई भी मैच हो ना, भाना मार दो, मेरी नानी मर गई, मेरी दादी मर गई, मैच ना खेलने जाओ भाई, धोनी नहीं छोड़ेगा भाई, धोनी को कोई नहीं हरा सकता। नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, आप एक प्लेयर बताएं, कोई एक प्लेयर धोनी जैसा ओवरऑल जितनी भी टीम है सब पूरी दुनिया की टीमों में से एक प्लेयर बताएं जो धोनी को आके धोनी जैसा माइंडसेट रखता हो या धोनी जैसा। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं नो डाउट, हमारे पास अपना इतना खजाना है, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, फिर अभी करंट स्क्वाड में देख लें मोहम्मद आमिर की मिसाल ले लें, हमारे पास बेबहा खजाना है, हर टीम के पास खजाना है, लेकिन धोनी जैसा माइंडसेट बताएं किस प्लेयर के पास? किसी के पास धोनी धोनी आईपीएल के अंदर कोई ऐसी टीम नहीं है जो धोनी की टीम को हरा सके, ठीक है ना।
धोनी एक बेस्ट प्लेयर है, उसके जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि उसका मास्टर माइंड बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये गंभीर जैसे प्लेयर कहाँ है यार, मैं ना कभी देख रहा हूँ कि धोनी के दिमाग में चल क्या होता है क्रिकेट की फील्ड में, कि यार अगर प्रेशर, यार वो कहता है डोंट बी अंडर प्रेशर बी द प्रेशर, वो खुद प्रेशर होता है टीम के ऊपर, ठीक है। उसको यार कोई अगर उसके छह प्लेयर गिर गए ना आउट हो गया, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको पता है यार मुझे अपने टीम पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, मैं जाऊंगा, मैं इधर से मैच ले जाऊंगा, ठीक है। और उसने बड़ी बार करके भी दिखाया हुआ है कि इंडिया और चेन्नई को हारती हुई पोजीशन से वो विनिंग पोजीशन में लेके गया, और वो हमेशा करता रहा है, ठीक है। जो सोच रहे हैं ना कि धोनी की टीम को हराएंगे, इनको को सोचना बंद कर दो, ये हो ही नहीं सकता। ये गौतम गंभीर का सपना रह जाएगा कि ऊपर से कहता था कि चेन्नई को उनकी होम में जाके हराएंगे, यार एड्डा तुरंदा नहीं, जब सपना देख रहा होगा ना कि मैं धोनी की टीम को हरा रहा हूं, दम छूट जाता होगा कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, ये अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता कि ये धोनी को हरा सकता है। इतना बड़ा भाई धोनी बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके लेवल का है भी नहीं कोई, क्योंकि यार उसकी जो मास्टर माइंड है वो टेंशन में रहते ही वो इजी यार जो मर्जी रहता है। वो धोनी इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है कि आइंस्टाइन के आईक्यू से भी ज्यादा आईक्यू है उसका। आइंस्टाइन का आईक्यू कोई था कोई 200, धोनी का आईक्यू कोई 500 प्लस। मजेदार डिसीजन लेता है वही ना यार, उसके टैक्टिक्स ही नहीं समझ आते यार, कि अगर उसको भी फील्डिंग का भी पता है कि जोन से मर्जी बैट्समैन हो, फील्डिंग प्लेसमेंट क्या करवानी है, इसको आउट करवाना है। मुझे तो यार मेरे ख्याल से जब भी कोई आउट नहीं हो रहा था ना प्लेयर, हो जाता है धोनी भाई क्या करे आउट नहीं हो रहा, धोनी भाई कहता है तुम रुको मैं करता हूँ, इधर हो चल बोल कर जैसी मर्जी उसने आउट कर यार ये आम प्लेयर नहीं कर सकते भाई, ये होता है मास्टरमाइंड, ये होता है मास्टरमाइंड। गौतम गंभीर को किस चीज का घमंड है, पहले जाके ना अपनी टीम को जाके परफॉर्मेंस करने ना, और उनको ना लीडिंग करना सिखाओ कि भाई अपने अपनी टीम को कैसे लीड करना है, जिताना कैसे, जब तक आप जीतोगे ना फिर जाके एग्रेशन दिखाना। ये मेरे सामने स्कोर कार्ड है, पूरी दुनिया ने आज का मैच देखना, रचिन रविंद्रा 16 करके गया, गायकवाड़ का देखो 67 स्कोर है भाई। ये होता है गायकवाड़ कैप्टनसी का नाम, और कैप्टनसी उसने क्यों अच्छी की है, क्योंकि उसके ऊपर हाथ किसका, थाला भाई का, नंबर 7 का हाथ है, नंबर 7 की वो बहुत इज्जत रखते हैं, जैसे रोनाल्डो 7 नंबर है, वैसे क्रिकेट के अंदर किंग हमारा 7 नंबर एम एस धोनी है। तो भाई एम एस धोनी के साथ जो भी टक्कर लेगा वो भाई या तो मरेगा या किसी के हाथों मारा जाएगा। क्या लगता है सीएसके टोरंटो टेबल जाएगी, फाइनल लग जाती हुई जाएगी? मैं आपको कह रहा हूं भाई, इस बार पूरा फॉइल एंड फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल, सीएसके ने खेलना ही खेलना है, धोनी ने खेलना ही खेलना है। अगर ये आईपीएल धोनी का लास्ट आईपीएल हुआ तो मेरे से लिखवा लो भाई, पूरी टीम अपनी जान मार के सीएसके की पूरी टीम, पूरी फ्रेंचाइज, पूरी दुनिया जोर लगाएगी कि भाई ये फेयरवेल टूर्नामेंट है हमारे थाला एमएस धोनी के लिए, तो फेयरवेल मैच के अंदर हम लोग कुछ नहीं दे सकते सिवाय एक ट्रॉफी के। धोनी का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, वो इस दुनिया का है ही नहीं है, वो एलियन है भाई, दूसरे ग्रह से आया। तुम गंभीर को शर्म करनी चाहिए कि वो क्या मैच से पहले क्या वो स्पीचे दे रहा है धोनी के खिलाफ। इतना याद रखे गौतम गंभीर के, धोनी वही बंदा है ना जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया था, गौतम एमएस धोनी वही बंदा ना जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप भी जिताया, एशिया कप भी जिताया, तो आप लोग उसके सामने किस चीज का एग्रेशन दिखा रहे हो? नहीं गौतम गंभीर ने तो मैच से पहले ही बोल दिया ना कि यार देखिए मैं धोनी के सामने नहीं बोल सकता, वो बड़े खिलाड़ी है। उसको पता है ना कि भाई अगर बोलूंगा तो इंडिया के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर मेरी थूथू हो जाएगी, मेरी कहां की इज्जत रहेगी उसे। भाई वो कोहली है जिसने आपका एग्रेशन देख लिया, ये वो, ये भाई धोनी है, मोइन अली भी नहीं छोड़ेगा आपको, धोनी छोड़ो मोइन अली नहीं छोड़ेगा, जडेजा नहीं छोड़ेगा आपको, गायकवाड़ नहीं छोड़ेगा, मार मार पागल करेंगे, लेकिन आप वो भाई धोनी की इंसल्ट नहीं देख सकते। वो क्या, मैं नहीं धोनी की इंसल्ट देख सकता यार, हु द हेल इज गौतम गंभीर। गौतम गंभीर अगर इतना प्लेयर होता तो इंडिया को खुद लीड करके वर्ल्ड कप जिता देते। धोनी के बल्ले से लगता छक्का है, बल्ले से इसके बच के जाओगे कहाँ, ओ धोनिया ओ धोनिया वे धोनिया मेरे ओ धोनिया। धोनी साहब की क्या बात है यार, ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस।